वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आया हूँ दिल्ली के फेमस जगह इंडिया गेट पे, जो कि काफ़ी सालों से बंद था, अभी ओपन किया हुआ है। कोरोना से पहले से बंद था, कुछ काम भी चल रहा था यहाँ पे और काफ़ी साल से बंद भी था, तो अभी जस्ट 2-3 वीक हुआ है खुला है। तो आज आया हूँ यहाँ पे, अब दिखाता हूँ बहुत ही काम, नया नया काम हुआ है, बहुत ही नया नया चीज़ लगा यहाँ पे, तो सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो ब्लॉग पे बने रहना और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना। चलिए ब्लॉग इन्जॉय करो। इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं, अगर आप आते हो यहाँ पे तो ये अगर मेट्रो से आते हो तो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पड़ता है, नियरेस्ट पड़ेगा। वहाँ से आप 10-15 मिनट लगेगा, पैदल भी जा सकते हो या ऑटो भी कर सकते हो, 20-25 रुपये लगेगा। तो आना फैमिली के साथ आना, ज़्यादातर शाम को आना क्योंकि शाम को यहाँ मज़ा आता है, लाइटिंग वाइटिंग होती है जब, तब बढ़िया लगता है देखने में। शाम को ही आना, अराउंड 5-6 बजे के बाद आना, 9-10 बजे तक रुकना, यहाँ पे मज़ा आएगा। फिर शाम को ही ज़्यादा मज़ा आता है, दिन में ज़्यादा उतना सही नहीं रहता, शाम को ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो शाम को ही आना सब। चलिए इन्जॉय करिए ब्लॉग, तब तक मैं भी इन्जॉय करता हूँ यहाँ पे, काफ़ी साल के बाद खुला इंडिया गेट, तो देखते हैं कैसा क्या है, सब नया लगा हुआ है। तो हम भी चल ही रहे हैं, अभी निकल ही रहा, पहुँच ही रहा हूँ वहाँ पे। चलिए आप सबको भी ले चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं क्या क्या नया लगा हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या सही है। मेट्रो से उतरते लेफ्ट साइड में देखे पार्किंग बनी है, एक नया चीज़ बना हुआ है, पहले पार्किंग नहीं था यहाँ पे, फिर पार्किंग बनी है यहाँ पे। और राइट साइड में ये आप गाड़ी से ऊपर ला सकते हो, काफ़ी मतलब बहुत सारे ब्रिज बने हैं इस पर छोटे छोटे, जिससे कि आप लाइटिंग वाइटिंग भी बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो। और ये रोड बना है जाने के लिए, पहले नहीं था यहाँ, पूरा पार्क था, अभी रोड बना है, पार्किंग वार्किंग देख सकते हो आप, पूरा ये इंडिया गेट तक के पास होगा। और ये लाइटिंग वाइटिंग भी लगी है काफ़ी जगह पे नज़दीक नज़दीक में। और इसमें आप लोग वोटिंग जो देखते थे उस टाइम, इसमें वोटिंग भी शुरू होगा। ये लगा है इसमें नया चीज़, ये बनाया हुआ है, इसमें वोटिंग भी कह रहा है कि जल्दी शुरू होगा इस चीज़ में। और ये फिलहाल बना हुआ है, काफ़ी थोड़े थोड़े जगह पर यह बनाया हुआ है। और मेरे साथ आज मेरा भाई भी आया हुआ है, जो कि पिछले ब्लॉग में भी आपने देखे थे, चिड़ियाघर वाली ब्लॉग में। और आज मेरे साथ ये भी आया हुआ है, मेरी फैमिली भी आई हुई है, वही के पीछे आ रही है। तो चलिए व्लॉग एंजॉय करिए आप लोग, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे जो पहले रोड पार करते थे, अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, अंडर पास, थोड़े थोड़े दूर पे दो सड़क ऐसा है, दो पे पार बनाया हुआ है। पहले रेड लाइट का लोग वेट कर रहे थे, अंडर पास बना दिया जिससे अंदर से लोग निकल सकते हैं। और लाइटिंग वाइटिंग लगा के और बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी काम शायद चल ही रहा थोड़ा बहुत, ये देखो अंदर लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है, ये बढ़िया चीज़ करा है अंडर पास से बना के। और एक चीज़ और चेंज हुआ है यहाँ पे, जो क्या है नाम, पहले था राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो रास्ता था उसका राजपथ था, अब कर्तव्य पथ हो गया। राजपथ पहले नाम था, उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया, तो ये भी चेंज हो गया। तो चलिए और दिखाते हैं आपको भी। और फर्स्ट लुक देखो इंडिया गेट का, और ये लाइटिंग वाइटिंग भी काफ़ी बढ़ाया गया है, इसको साफ सफाई ये सब भी बनाया गया, पूरा लाइट काफ़ी लगाया हुआ है, ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, पहले इतना नहीं था। ये पीछे राष्ट्रपति भवन, इसका नाम भी चेंज कर दिया, पहले राजपथ था अब कर्तव्य पथ कर दिया, ये देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर। चलिए चलते हैं नज़दीक इंडिया गेट के सामने, तब दिखाते हैं आपको सामने से। और उस टाइम जो साइडों में पिकनिक करते थे लोग, इस साइड दोनों साइड में, वो शायद मना कर दिया गया, उस पर फाइन लगा दिया गया है, जो पिकनिक नहीं कर सकता, अगर करेंगे तो फाइन लग जाएगा, ये मैं सुना था कहीं पे, अब पता नहीं है कन्फर्म है कि नहीं है। वैसे लोग अभी कर नहीं रहे, बैठे वैसे कुछ खाना पीना, मतलब ऐसे मना कर दिया गया यहाँ पर। 2-2.5 साल बाद खुला है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखें, और साफ सफाई एकदम से देख, आप सब देखे होंगे, पूरा ख्याल रखा गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है देखें। अभी धीरे धीरे चल चल के पहुंच रहा हूँ मैं, ऑटो नहीं कर रहा था, चल के पहुंच रहा हूँ। तो चलिए नज़दीक से आप सबको दिखाते हैं, वैसे आप देख सकते हैं इधर भी, तो काफ़ी जो मोदी जी का कुछ काम कराए हैं इसमें, आगे भी देखते हैं, लाइटिंग वाइटिंग भी बढ़ाया है, जो पीछे लाइट वाइट लगे हुए थोड़े थोड़े दूर पर, पहले ज़्यादा दूर पर था, थोड़े थोड़े दूर पर लगवा दिया उसको। तो चलिए नज़दीक चलते हैं, तब दिखाते हैं आप सबको नज़दीक से। जैसे जैसे नज़दीक जा रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, काफ़ी सालों के बाद खुला है। अभी फाइनली मैं नज़दीक पहुंच गया हूं, तो फर्स्ट शॉट दिखाता हूं मैं आपको इंडिया गेट का, ये देखो तिरंगा के कलर में लिपटा हुआ, कितना बढ़िया लग रहा देखने में। Thank you।
और यहाँ पे जो अमर जवान ज्योति जलता रहता था उसको वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे को बोला था साइड में पिकनिक नहीं कर सकते, ये देखो खड़े हैं गार्ड सब, बहुत सो खड़े हैं, अंदर नहीं जाने देते इसे। ये देख सकते हो नज़दीक से कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग भी हुई है, सुंदर लग रहा है देखने में। और ये इंडिया गेट के साइड का लुक है देखो, इसमें लग रहा है ये बीच वाला कुछ बनाया गया है इसे। ये चीज पहले मैं देखा नहीं था इसे, आप सब बताना कमेंट में। अब यहाँ पे आपको ये भी सुविधा मिलेगा, शौचालय, पीने का पानी भी मिलेगा, इधर इस लोकेशन दिया हुआ है इस पे, जस्ट इंडिया गेट के सामने, सुभाष चंद्र बोस। इसे भी लाइटिंग वाइटिंग कर दिया भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। और इधर अंधेरा है फिलहाल, कुछ नहीं दिख रहा है, इधर लाइटिंग कर दिया है, कर दिया है लाइटिंग, कर दिया तुम गोला फंस गया, लाइटिंग कर दिया, तुम लोग भी लाइक कर दो। आप अगर आप लोग आते हो तो एक चीज़ जरूर देखना, ये परम योद्ध स्थल जो कि हमारे जवान वीर जो शहीद हुए थे उन सबका एक बार दर्शन जरूर कर लेना। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी, यहाँ पे जो है विक्रम बत्रा हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी जवान, बड़े बड़े जवान जो शहीद हुए थे उनका स्टैचू लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो सब कुछ दिखाते हैं आपको अंदर से, चलिए देखते हैं। और इस गार्डन में आप देख पा रहे होंगे, देखो स्टैचू बने हुए, तो विक्रम बत्रा हो गया, बड़े बड़े ऑफिसर का स्टैचू बना हुआ है। ये फिलहाल 6 बजे बंद हो जाता है, तो इसीलिए अभी बंद है, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ इसका। इस तो लाइटिंग कितनी बढ़िया की हुई है सामने रहा है, एक साथ दोनों। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल, तो यहाँ से एंट्री है। एंट्री भाई देखो, दोनों दो झरना लगवाए, एक इस साइड और एक इस साइड, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाइटिंग भी है, लाइटिंग तो और खूबसूरत बना रहा है इसको। और यहाँ पे ऐसे जो बनाया हुआ है इस पर आप सबको सबका नाम लिखा मिल जाएगा, जो भी जवान हमारे शहीद हुए हैं सब पे काफ़ी सारा लगा हुआ है, साइड सब में भी लगा हुआ है, इस पर आप पढ़ सकते हैं, नाम दिया हुआ है, नाम दिया होता है, बैच नंबर दिया होता है, जो भी होता है लिखा होता है इस पर। तो ये भी बढ़िया लाइटिंग से सजाया हुआ है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो ये बीचों बीच बनाया हुआ है, और इंडिया गेट के बीचों बीच जो जल रहा था अग्नि ज्वाला, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है वहाँ से, वीर जवान ज्योति, हाँ देख सकते हो आप। ये जो बैटल हुआ था उसका ये बनाया हुआ है कुछ चित्र, ये देखो ये बैटल का नाम लिखा हुआ, बैटल ऑफ टोंडिया वाला। ऐसे जितने भी बैटल हुए हैं सारे लगे हुए हैं इधर, फोटो मिल जाएगा आपको, बैटल ऑफ गंगा सागर। ये टैग आप देख सकते हो, वायुसेना, जल सेना सबका है सर। और ये हमारा अशोक चक्र, यहाँ पे जो हमारे जवान सब शहीद हुए थे उन सबका फोटो, इमेज, सब कुछ, नाम वगैरह क्या थे सारा कुछ है। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल जो है रात को 8 बजे तक ही खुला रहता है, तो इसके बाद मत आना, 8 बजे से पहले आना, ज़्यादा पहले आना, जो ज़्यादा घूम सको, काफ़ी बड़ा है, हम घूमते घूमते पैर दुख गया मेरा तो, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो जवान शहीद हो गए उसको ऑनलाइन श्रद्धांजलि दे सकते हो आप। पहले के मुकाबले काफ़ी कुछ बेहतर कर दिया है, काफ़ी बढ़िया बना दिया, लाइटिंग हो चाहे कुछ भी हो, देख सकते हो काफ़ी लोग देख रहे थे, पता नहीं डेली होता है कि नहीं, आज मैं आया हूँ 25/9 को, 25/9 है आज हो रहा है, पता नहीं डेली होता है कि नहीं। आप लोगों को नया इंडिया गेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिलहाल हम यहाँ से सब कुछ आप लोगों को लगभग दिखाई दिया, तो हम फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आना घूमने। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।
a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the world before us.